यीशु ने धर्म बदलने नहीं आया, यीशु ने लोगों को भाग करने नहीं आया। मुक्ति पाने के लिए, आजाद पाने के लिए आज बहुत सारे लोग कहीं सारे तीव्र यात्रा कर रहे हैं। कोई तो पहाड़ में बैठा हुआ है और तपस्या कर रहा है, कोई तो उसका रंग रूप बदल रहा है। इस ढंग से एक काम करने से हमको मुक्ति मिलेगा, उद्धार मिलेगा। कोई तो कहीं तपस्या कर रहा है और कोई तो कहीं जल में स्नान कर रहा है। इस नदी का पानी को हम स्नान करने से पवित्र हो जाए। आज हम जगत में देखते हैं कि लोग उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कई सारे चीजों को वे कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको उद्धार दे सकता है? मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मनुष्य का रंग रंग में पाप की स्वभाव पाया जाता है। मनुष्य जन्म से पैदा से ही पापी है, तो कोई मनुष्य का उद्धार कर नहीं सकता। कोई सृष्टि का वस्तु आपको उद्धार दे नहीं सकता, ना कोई पत्थर, ना कोई पेड़, ना कोई बछड़ा का बलिदान, ना कोई बैल का बलिदान, ना कोई मुर्गी का, ना आपको नारियल उधार दे सकता है, ना आपको कोई नदी का पानी आपको उधार दे सकता है। आज बहुत सारे लोग ना जाने उस सृष्टिकर्ता को पुकारना छोड़ के उस सृष्टि में लगे हुए हैं, जिसको जो आया वे कर दिए, जिसको जैसा दिखा वे कर दिए। क्या सचमुच में आप उस सब चीजों से आपका जीवन मुक्ति हुआ है? क्या सचमुच में आपका जीवन उद्धार पाया है? क्या सचमुच में आपको आजादी दिया है? बाइबल में एक बात लिखा गया, यदि आप पढ़ोगे वहां पे लिखा गया, प्रेरितों की किताब उसकी 4 उसका 12 पद में वहां पे लिखा गया, स्वर्ग के नीचे और लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। अरे कोई नाम है कि आपको उद्धार दे सकता है? आज बहुत सारे नामी दामी महापुरुष थे, वे जगत छोड़ के चले गए। आज भी वो कब्र में उनका हड्डियां पाया जाता है। वे युद्ध आए थे लेकिन वे मिट्टी में मिल गए। जो अपने आप को उद्धार ना कर सका, ऐसा व्यक्ति की आपको उद्धार दे सकता है? कोई नाम है क्या स्वर्ग में और आकाश के नीचे और लोगों के बीच में जो आपको आजाद दे सके? मनुष्य का बलिदान, मनुष्य का लहू आपको उद्धार दे नहीं सकता। मेरे अजीजों, आपको मुक्ति पाने का इच्छा है, आपको उद्धार पाने का इच्छा है, लेकिन जिसको आपको पुकारना चाहिए, जिसको आपको बुलाना चाहिए, जिसको आपको जो कि आपको उद्धार दे सके, एक ऐसा व्यक्ति की कोई आप जानते हैं क्या, जिसको आप पूछते हैं, जिसको आप मानते हैं, क्या वो आपको बातें करते हैं, क्या आपको वे आपका जीवन को मुक्ति किए हैं? बाइबल बताती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी नहीं, सबके सब पापी थे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, एक नाम है, वो नाम है यीशु नाम, जो सारे नामों में ऊंचा है, जो सारे नामों में महान नाम है। यीशु के नाम में उद्धार मिलता है,
यीशु का लहू से मुक्ति मिलता है। सब ने आए और चले गए, लेकिन यीशु आया, चला नहीं गया, वरन तीसरे दिन में वो जीवित हुआ और प्रमाणित कर दिया कि वो जीवित परमेश्वर है। और लिखा गया कि जो कोई उसको विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु आपका जीवन को बदल देंगे, यीशु आपका जीवन को चेंज करेंगे, यीशु आपका जीवन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, यीशु आपका जीवन को चेंज करेंगे। चाहे आपका सिचुएशन कितना भी खराब हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु आपका सिचुएशन को बदल देंगे, आपका आइडेंटिटी चेंज कर देंगे। जो पाप में मरा हुआ है उसको प्रभु जिला कर अनंत जीवन देंगे, केवल विश्वास करने पर। जो कोई उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करेगा उसको प्रभु उद्धार देंगे। ना आपको कुछ बलिदान करना पड़ेगा, ना आपको कुछ देना पड़ेगा, ना आपको कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। नहीं, मुक्ति तो केवल फ्री में होता है। यीशु ने जगत में आया और हमारे सारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, लहू लुहान हुआ। जो जो चीजें हमने किए वैसा ही उनको शास्ति किया। हमको जो दंड भोगना था, जो शास्ति हमको भोगना था, मेरे मसीह, मेरे भाई और बहनों, में आपको कहना चाहता हूं उसी के लिए प्रभु ने क्रूस पर अपना जान दे दिया। वो मरा हुआ मसीह नहीं है जिसको आप क्रूस में देखे थे, बल्कि वो जीविता परमेश्वर है, वो जीविता मसीह है। डेथ कैन नॉट स्टॉप हिम, मृत्यु उसको रोक नहीं सका, वरन बाइबल बताती है वो कब्र फाड़ कर, वो कब्र को चीर कर, कब्र को फाड़ते हुए जीवता हुआ दिखा दिया कि वो सारा जगत का और सारा मानव जाति का उद्धार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो सारा मानव जाति का उद्धार करता है। यीशु ने धर्म बदलने नहीं आया, यीशु ने लोगों को भाग करने नहीं आया। लोग कहते ये दूसरा देश का धर्म है, यीशु ने धर्म बनाने नहीं आया कि धर्म बदलने नहीं आया, वरन यीशु ने मन बदलने आया, मन परिवर्तन करने आया, यीशु ने लोगों का दिल बदलने आया और आज भी वही काम कर रहे हैं। बाइबल बताती है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। उधार पाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है और अपना जीवन में ग्रहण करना है। लिखा गया बाइबल में रोमियो की किताब उसकी 10वीं आयत उसका 9 से नीचे पढ़ेंगे तो लिखा गया कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कह प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे मसीह भाई और बहनों और सारे जगत के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आए, पापी लोगों को नाश किए, विनाश करने के लिए आए, दुष्टों को नाश करने के लिए आए, लेकिन एकमात्र ईश्वर यीशु मसीह वो मानव जाति को प्यार किया और प्यार के खातिर वो अपना जान दे दिया। और लिखा गया जो कोई उसको विश्वास करेगा, अपना मुंह से अंगीकार करेगा उसी का उद्धार होगा, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार केवल यीशु के नाम से है, केवल यीशु ही आपको देगा उद्धार। यीशु के बिना आप कहीं पर भी चले जाओ आपको उद्धार नहीं मिलेगा। और मसीह को कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप कितना भी रोकने की कोशिश करो, मसीह का प्रेम को आज तक किसी ने रोक नहीं सका।
अरे 12 ने चालू किए थे, लेकिन आज लाखों लोग पाया जाते हैं जो 12 को तो मिटा नहीं सकते, जो 12 को तो मिटा नहीं सके, तो आज इतने सारे लोगों को कैसे मिटाओगे? आप मिटा नहीं सकते, वरन खुद मिट जाओगे और आप प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटाओगे, क्योंकि यीशु का नाम में सामर्थ है, इसी नाम का विरुद्ध में कोई जा नहीं सकता। यदि वो चला गया फिर भी वो नाम का नीचे वो झुकेगा, ऐसा एक दिन आएगा। यीशु ने आपको घात करने नहीं आया, आपका जीवन को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। यीशु नाम आपको आपको परिवर्तन नहीं करेगा, बल्कि आपको जीवन देगा। यीशु नाम अपना बाहिक रूप, शारीरिक रूप को बदलने नहीं आया, आपका धर्म को बदलने नहीं आया, वरन यीशु नाम आपका जीवन को बदलने आया। हो सकता है आपका जीवन में आज आनंद नहीं पाया जाता है, यीशु को पुकार के देखो, बाइबल बताती है आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, आपको शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, आप सारे अंधकार अंधकार की ताकत से, अंधकार की चीजों से आप मुक्ति पाओगे और आपका मन में आनंद आएगा जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपना जीवन में ग्रहण करोगे। क्या आप यीशु को जानते हैं? बाइबल बताती है यीशु को जानना आनंद जीवन है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सत्य है, ये सत्य बात है, क्योंकि बाइबल बताता है यदि तुम सत्यों को जानोगे तो उसी सत्य आपको स्वतंत्रता करेगा। बाइबल में सत्य है, यीशु में सत्य है, लेकिन यीशु सब में अलग है। यीशु सब में अलग है और रहेगा, युगानुग रहेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। यीशु मरा हुआ नहीं, आज भी उसका कब्र खाली है, वो जीवित हुआ और सारा विश्व को दिखा दिया कि एकलौता वो जीवित परमेश्वर का संतान है। इसमें भलाई है कि हम लौट आए और अपना पाप को, गुनाह को हम कबूल कर ले और यीशु मसीह को हम ग्रहण कर ले। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके साथ कोई नहीं जाने वाले हैं, ना कोई सोसाइटी, ना कोई धर्म, ना आपका रिश्तेदार, ना कोई लीडर आपके साथ जाएंगे। जब आपका टाइम पहुंचेगा आप एक ही लाभ और भी कुछ लेके आप नहीं जाओगे, आप कुछ भी लेके नहीं जाओगे, एक व्यक्ति आपके साथ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि आप एक ही जाओगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस समय आने से पहले ऐसा ना हो कि हम विनाश की ओर चले जाएं, वरन आज प्रभु आपको पुकार रहा है, यीशु नाम बुला रहा है। यदि आप यीशु को विश्वास करोगे, मसीह उद्धार करता है, मरेगों में से जीवित है विश्वास करोगे, तो आपका जीवन उद्धार पाएगा और यीशु आपको उद्धार देंगे। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, वरन ये सत्य है कि यीशु ही मसीह।